हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम के अंदर 5 मार्च को दोपहर के 2:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है फैन कोड के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो और चाहते हो कि आपको दुनिया भर के मुकाबलों की फैंटेसी टीमें मिलती रहे, तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो इस पिच पे बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान नहीं है। यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिल रहा है, साथ ही में पिच काफी स्लो है, तो दोनों टीमें यहाँ पे टॉस जीत के बल्लेबाजी करना चाहेंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं बांग्लादेश की टीम के बारे में, जो कि पहला मुकाबला जीत चुकी है और टीम इस मुकाबले में सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। बांग्लादेश की टीम को पता है कि उनको इस मैदान पर कैसे बल्लेबाजी करनी है। इस मैदान पर जब जब मुकाबले होते हैं ये टीम काफी शानदार खेलती है। लिटॉन दास ने काफी कमाल की बल्लेबाजी करी पिछले मुकाबले के अंदर, हाफ सेंचुरी मारी, वापस से वो कंटिन्यू करना चाहेंगे। मोहम्मद नईम एक काफी इंपॉर्टेंट ओपनर है इस टीम के, और वापस इस मुकाबले के अंदर उन पे सभी की निगाहें होने वाली है। उसके अलावा भी जो उनके बल्लेबाज हैं उनको इस मैदान पे बल्लेबाजी करनी आती है। मुझे लगता है मुशफिकुर रहीम को मौका मिलेगा इस मुकाबले के अंदर, एक बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं और इस पिच को देखते हुए एक बहुत ही बड़े एसेट हो सकते हैं वो इस मुकाबले के लिए। उसके अलावा मैं बात करता हूं तो शाकिब अल हसन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टीम के। पिछले मुकाबले में गेंदबाजी के अंदर भी 2 विकेट निकाले, साथ ही के अंदर वो टॉप ऑर्डर के अंदर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। बाकी गेंदबाजी में नसूम अहमद की गेंदबाजी भी काफी शानदार थी। नसूम अहमद एक काफी अच्छे स्पिनर है, इस मुकाबले के अंदर भी विकेट निकालना चाहेंगे। फिर महीदी हसन हो गए, मुस्तफिजुर रहमान हो गए, शोरीफुल इस्लाम हो गए, तो बांग्लादेश के पास एक बहुत ही अच्छी टीम है, खासकर इस मैदान को देखते हुए। स्पिनर्स भी काफी अच्छे हैं और इनके तेज गेंदबाज जो है वो कटर्स डालने के लिए काफी फेमस है। तो अगर मैं बात करता हूं बांग्लादेश के 11 के बारे में, तो टीम एक बदलाव कर सकती है। मुशफिकुर रहीम को इस मुकाबले में जगह मिल सकती है, तो बांग्लादेश के लिए ओपन कर सकते हैं मोहम्मद नईम और लिटॉन दास, नंबर 3 पे शाकिब अल हसन, नंबर 4 पे मुशफिकुर रहीम, नंबर 5 पे महमूदुल्ला रियाद, नंबर 6 पे आफीफ हुसैन, नंबर 7 के ऊपर यासिर अली, फिर महेदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान, नसूम अहमद और शोरीफुल इस्लाम। तो जरूर से बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला है और टीम इस मुकाबले में सीरीज जीतना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं अफगानिस्तान के बारे में, जो कि पहला मुकाबला हार चुकी है और टीम इस मुकाबले में सीरीज को बराबर करना चाहेगी। अफगानिस्तान की टीम की दिक्कत यह रही पिछले मुकाबले में कि इनके स्पिनर्स जो थे वो विकेट नहीं निकाल पाए। टीम में राशिद खान को भी खिलाया, कैस अहमद को भी खिलाया, मोहम्मद नबी को भी खिलाया, लेकिन दिक्कत यह इनको विकेट नहीं मिल पाए। इस पिच पे स्पिनर्स के लिए हेल्प है और अफगानिस्तान के पास कुछ बहुत ही कमाल के स्पिनर हैं, तो वापस अफगानिस्तान के स्पिनर्स के ऊपर निगाह रहने वाली है। उनको इस मुकाबले में विकेट निकाल के देने पड़ेंगे। पर दिक्कत है इस टीम की बल्लेबाजी के अंदर, केवल नजीबुल्ला जदरान एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि टेक्निकली स्किल्ड प्लेयर हैं, वो काफी अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनके अलावा टीम की बल्लेबाजी काफी कमजोर मुझे लगती है। इनके दोनों जो ओपनर्स हैं रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्ला जजई, वो दोनों काफी बड़े प्लेयर है T20 फॉर्मेट के, पर वो काफी अग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं और इस पिच पे उतनी अच्छी बल्लेबाजी आसान नहीं होने वाली। अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करेगी तो अलग बात है, लेकिन बाद में बल्लेबाजी करती है तो ये जो दोनों ओपनर से काफी अग्रेसिव खेलते हैं वो टेक्निकली स्टेबल प्लेयर है नहीं, और उनके अलावा इनकी बल्लेबाजी में कोई बड़ा नाम नहीं है, तो बल्लेबाजी इस टीम की दिक्कत है और स्पिनर्स को विकेट निकालने पड़ेंगे। प्लेइंग 11 में टीम काफी सारे बदलाव कर सकती है, तो उसके बारे में बात करना काफी मुश्किल होगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी अफगानिस्तान, वो टीम होगी बांग्लादेश, बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली कुछ इनके ऊपर। तो वैसे तो इस मुकाबले में जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसको एडवांटेज मिलेगा, पर मुझे लगता है बांग्लादेश के पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है इस मुकाबले के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो को अच्छी लगी होगी, अगर लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियोस देने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।